सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज काफ़ी दिनों बाद मैं फार्म पे आया हूँ। इसमें ठंडी बहुत ज़्यादा है। मैं जो दो तीन चार दिन में एक वीडियो डाल रहा हूँ उसमें आप लोगों को बताता हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण से मैं फार्म पे जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमारे जो लोकल में फार्म है वहाँ पे हमारे सभी किसान भाई एक साथ बच्चे डालें तो उनकी क्या कंडीशन चल रही, कितना वेट गेन किए हैं, कितनी मोर्टलिटी आई है, सारी जानकारी मैं आपको बराबर देता रहता हूँ। आज फिर आपको दिखाऊंगा कि आज लगभग 28 से 29 दिन की मुर्गियाँ हो गई, इनका कितना वेट आया, कितनी मोर्टलिटी आई है, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाई, मैं फार्म के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे किसान भाई का J&J कंपनी का हमने आपको बराबर वीडियो दिखाता रहता हूँ। अभी देखेंगे कि लगभग 3 हिस्से में मुर्गियाँ हो चुकी हैं, अभी एक हिस्सा बाकी है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को ले चलेंगे फार्म के अंदर। पहले देखेंगे बच्चों का ग्रोथ कैसा चल रहा है और 28 दिन में कितना अच्छी इनकी क्वालिटी तैयार हुई है। और ठंडी के टाइम में जिस तरीके से इस समय मुर्गियाँ तैयार हो रही हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो रही हैं। ये देखिए, मैं फार्म के अंदर आ गया हूँ। किसान भाइयों, आप लोग जो है वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर, क्योंकि जो है आप लोगों के शेयर करने से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि किस तरीके से मैं आपको वीडियो बनाऊँ, किस तरीके से ना बनाऊँ और किस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को चाहिए। अगर आप कमेंट करके हमको बता रहे हैं कि उस टॉपिक में वीडियो आप लोगों के लेके आता रहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे इस समय आपको दिखाऊँगा कि 5 रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर करीब 6,000 के करीब बच्चे हैं, मुर्गियाँ हैं आपकी डाली गई हैं ब्रॉयलर की। हमने आपको एक चीज़ बताया, जो सुगना कंपनी की जो चिक्स हैं उनको देखेंगे तो जो उनके पंख होते हैं बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, और ये क्यों होते हैं ये तो हमको अभी नहीं पता है। लेकिन अदर जो कंपनी है उनके पंख जो है उतना ज़्यादा चमकीले नहीं, सुंदरता जो है सुगना कंपनी के जो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमको। हमने देखा, जो हमारा अनुभव कहता है, मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ जो हमको पता है। तो किसान भाइयों, देखेंगे कि आप यहाँ पे 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है। ठंडी के टाइम चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन टेम्परेचर बना हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि टेम्परेचर और जो मशीन लगाई गई है वहाँ पे किस तरीके से मशीन कितना टेम्परेचर है। और किसान भाइयों, सबसे खुशी की बात मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आज 28 दिन की यहाँ पर मुर्गियाँ हो गई हैं। यहाँ पर जो मोर्टलिटी अब तक टोटल आई है, अभी तक ये करीब 150 के करीब मोर्टलिटी आई हुई है। 150 से ज़्यादा अभी तक मोर्टलिटी नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि जो मुर्गियाँ दिखाई पड़ रही, देखिए सब में गैपिंग दिखाई पड़ रही है और सब मुर्गियाँ जो है एकत्र होकर नहीं बैठी। इससे क्या होता है कि यहाँ पे मोर्टलिटी होने का चांस बहुत कम होता है। यहाँ देखेंगे जितनी मुर्गियाँ आप लोगों को दिखाई पड़ रही सब एक साथ एकत्र होकर नहीं बैठी हुई हैं, और जितनी भी मुर्गियाँ हैं सब जो है एक दूसरे से सटी नहीं हुई। इससे क्या होता है कि हम देखते हैं जब एक दूसरे से सड़ के सर ऊपर होकर बैठती हैं बहुत ज़्यादा मोर्टलिटी आती है। और ऐसा क्यों होता है, कब बैठती हैं, जब फार्म में टेम्परेचर नहीं होता है, तब उस कंडीशन में जब टेम्परेचर फार्म में नहीं होगा तो मुर्गियाँ सब एक साथ होकर बैठेंगी तो वहाँ पर मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो आप हम लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर मशीन लगाई गई है। यहाँ पर आप देखें, आपने देख लिया कितना टेम्परेचर है यहाँ पे। और फिर हम आपको दिखाएंगे लास्ट कॉर्नर से, वहाँ पे देखेंगे एक रूम बनाया गया, फिर दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तीसरा रूम है, फिर ये चौथा रूम है, पांचवा रूम है, अभी एक रूम और बनेगा। अभी 6-7 रूम यहाँ पर लगभग बन के रेडी किया जाएगा। किसान भाइयों, ठंड के टाइम में जो मोर्टलिटी हमने बताया है यहाँ पर, किसान भाई ने दवा यहाँ पर टाइम टाइम से दवा चलाई जाती है। थोड़ा सा एक बार दवा थोड़ा लेट हो गई तो थोड़ा इसलिए मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बताते हूँ, जितना अच्छे से आप दवा चलाएंगे फार्म में उतनी ज़्यादा आप लोगों को बच्चों का क्वालिटी देखने को मिले, उतनी जल्दी क्लियरिटी होगी, उतनी कम मोर्टलिटी आएगी। यहाँ पर देखेंगे चारा भर दिया गया है दोपहर के टाइम में, यहाँ पर चारा पानी सब कुछ, ऑटो ड्रिंकर भी है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से अभी तक चल रहा है। और फिर हमने आपको मोर्टलिटी बता दी है कितनी आई हुई है, और आपको आपको रियल आपकी आंखों के सामने एक टेस्ट कराएंगे कि यहाँ पे मुर्गियों का 28 दिन में वेट कितना आया है और इनका डेली का खर्च करीब इस समय जो चारा खा रही हैं करीब 10 से 11 बोरा लगभग मेरी उम्मीद से भी ये चारा खा रही हैं। तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मुर्गियों का वेट कितना है, पकड़ के इनको एक बार तोलेंगे, इनका वेट कितना आया हुआ है।
28 दिन में, और उस हिसाब से आप बताइएगा कि आपके फार्म की मुर्गियों का वेट कितना आया हुआ है। तो किसान भाई हमने एक मुर्गी को पकड़ा है, अभी इस पर बैठा दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे अभी मशीन बंद हो गई है। हमको लग रहा है मशीन चार्ज ना होने के कारण से, तो किसान भाई कांटा ख़राब हो जाने के कारण से जो है दिखा नहीं पा रहा हूँ ठीक से, तो कांटा ठीक हो जाएगा मैं दिखाऊंगा आपको। आपने देखा भी हमने कल एक वीडियो डाला था जो कि सुगना फार्म पे था, बहुत ही अच्छा सुगना फार्म का बच्चे जो है चल रहे थे, उनके जो है क्वालिटी और क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो कंपनी J&J है उससे सुगना से कम नहीं, ये भी आप देख सकते हैं। आपने अगर वो सुगना वाला वीडियो देखा होगा तो ये देख के आपको लग रहा होगा ये भी सुगना से कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी दे रही है, 11-12 रुपये के आसपास जो है किसानों को प्रॉफिट दे रही है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने फार्मर का देखभाल भी कंपनी करती है। तो किसान भाई यहाँ पे करीब यहाँ इनका वेट जो है 2 kg के आसपास आ गया है, अभी 33 दिन की मुर्गियाँ हुई हैं, ये इनका वेट लगभग जाएगा 2800 से 3 kg तक जाएगा, 2800 ग्राम से लेकर 3 kg तक इनका वेट जाएगा। तो किसान भाई आशा करता हूँ कि आपकी अगर मुर्गी आपके फार्म की मुर्गियों का वेट कितना आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और ये जो क्वालिटी और क्लियरिटी आपको देखने को यहाँ पे मिले कि आपके फार्म में देखने को मिलती है कि नहीं है, तो आप कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आशा करता हूँ आप कौन सी कंपनी से बच्चे डालते हैं और डाल रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।